तुराब और सत्यन भाई को जो शहर में देहात वाले हैं उनको बिग गिफ्ट देने वाले हैं। दोस्तों मैंने तुराब भाई का नंबर निकाल लिया और अभी हम तुराब भाई को कॉल करेंगे। आपको भी दोस्तों तुराब भाई का नंबर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगा। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बिग सरप्राइज है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। दोस्तों हम अपने तुराब और सत्यन भाई को जो शहर में देहात वाले हैं उनको बिग गिफ्ट देने वाले हैं। एलिफेंट डे भी हम उनको गिफ्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम तुराब भाई को बिग गिफ्ट देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए हम एलिफेंट बेबीज उनको गिफ्ट करने वाले हैं उनकी मिनी जू के लिए। आप भी शहर में देहात के फैन हैं, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आज हम चलते हैं शहर में देहात के सेटअप पे और माशाल्लाह उनका सेटअप भी आपको विजिट करवाएंगे और एलिफेंट बेबीज भी तुराब भाई को हम गिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों मैंने तुराब भाई का नंबर निकाल लिया और अभी हम तुराब भाई को कॉल करेंगे और उनसे पूछते हैं कि हम किस टाइम हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो यार अभी दोस्तों हम तुराब भाई को कॉल करते हैं। अगर आपको तुराब भाई का नंबर चाहिए इनबॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएगा। अभी दोस्तों मैंने तुराब भाई का नंबर मिला लिया है और उनको कॉल जा रही है, देखते हैं। जैसे वो कॉल उठाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि हम किस टाइम हैं और आपका गिफ्ट लेके कब आएँ। दोस्तों कॉल जा रही है तुराब भाई को, अभी देखते हैं वो किस टाइम। कॉल उठा नहीं रहे यार, काफ़ी देर हो गई है, कॉल जा रही है। ओहो यार कॉल काट गई है, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई हमारी, तो हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जो तुराब भाई हैं वो हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो लगता है बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तब तक हम अपने पेट्स आपको दिखाते हैं और दोबारा फिर उनको कॉल करते हैं। हेलो राजा रानी, कैसे हो? लगता है कि रानी दोस्तों आजकल हमारी जो है ना ये एग्स पे आई हुई है माशाल्लाह, तो लगता है ये एग्स देने वाली है। और ये रहे हमारे प्यारे रैबिट, चेक करें दोस्तों, हमने इधर इनको शिफ्ट किया। बहुत ज़्यादा खुश हैं यार ये और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं यार। ये वाले जो हमारे शिराजी पिजन है ना यार, उनकी पता नहीं क्या अपडेट कोई आई है या नहीं यार। शिराजी पिजन जब से सर्दी आई है ना ये बेबीज नहीं निकाल रहे। वाह माशाल्लाह, देखिए हमारे पिजन के जो बेबी निकले थे दोस्तों ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और बाहर भी आ चुके हैं। ये इनका बाप है और ये माँ है इनकी, एक बेबी ये है, ये तो उससे भी बड़ा है जो नीचे आया, वो बेचारा छोटा है। वाह यार माशाल्लाह, पिजन की प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी हुई है दोस्तों। मैंने सोचा है कि रैबिट को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। आ जाओ रैबिट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकल रही थी दोस्तों, तो हमारे जो रैबिट हैं यार थोड़ा सा धूप वगैरह ले लेंगे। और हमारी असील मुर्गी देखे माशाल्लाह, ब्लैक वाली, इसने कुरीज मुकम्मल की और कितनी प्यारी लग रही है यार माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी हो गई है यार ये भी। और रैबिट, दो रैबिट तो बाहर आ गए। और ये वाली हमारी पट्टी देखें असील माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और देखें इतनी प्यारी हो चुकी है यार, अच्छी तैयार हुई है यार ये भी दोस्तों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजा रानी तुम कहाँ जाना चाहते हो? रैबिट के रूम में क्यों जा रहे हो यार? और हमारी जो डक फैमिली है इसको देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये चेक करें, इधर इन्होंने भी मज़े लगाए हुए हैं अपने, माशाल्लाह घूम फिर रही हैं। और हमारा बबलू शहजादा देखें, बबलू बबलू कैसे हो बबलू, ठीक हो ना? ये हमारा बबलू शहजादा माशाल्लाह से दोस्तों, आज अच्छी धूप आई है और जानवर देखें सुकून कर रहे हैं धूप में। शेरू साहब का नज़ारा करें, शेरू कैसे हो माशाल्लाह, देखें दोस्तों ये है प्योर असील मुर्गा, देखें बिग हाइट माशाल्लाह। और अभी इंशाल्लाह इस सीज़न में हमारे पास शेरू की ब्रीड आएगी। ये रहा हमारा कालू किंग, ये देखे रैबिट अपने पुराने घर को नहीं भूल रहे यार दोस्तों, देखें माशाल्लाह इधर पुराने घर के करीब आए हुए हैं ये। वाह माशाल्लाह, इधर पैरेट की बेबीज देखें, ये अपने माँ बाप से फीड मांग रहे हैं। वाह माशाल्लाह कितने प्यारे हैं यार। और इधर जो नीचे दोस्तों मुझे अभी नज़र आए हैं दो तीन और बेबीज भी आए हुए हैं माशाल्लाह। हेलो फिंचो, तो इस सीज़न में हमारी जो फिंचेज है ना इन्होंने बेबीज वगैरह बिल्कुल नहीं निकाले, पता नहीं क्या मसला है इनको, ब्रीड नहीं कर रही सही तरीके से। बाकी तो तमाम जो पैरेट वगैरह हैं और हमारी डब्स हैं ना यार, डब भी आपको नहीं दिखाई दोस्तों, इंशाल्लाह डब अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें इधर कोकोस कैसे हो, और ये सारे दोस्तों पट्ठे हैं जो मैंने इधर छोड़े हैं ना माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छे तैयार हो गए हैं और काफ़ी हेल्थी और बड़े बड़े हो चुके हैं। हाँ जी भाई क्या हुआ है तुम्हें,
यार ये कुछ मांग रहे हैं दोस्तों। ओ हो, ये देखें इनका जो दाना है ना वो ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से यार ये मुझे बुला रहे थे। और माशाल्लाह ये सामने देखे ये जो येलो कलर में छोटा सा, ये भी बेबी था, और ये जो उड़ के ये भी अभी बेबीज था माशाल्लाह। इस कॉलोनी में भी काफ़ी सारे बेबीज नीचे आए हुए हैं। ये हमारी चमकीली मुर्गी देखें, और इसके जो बेबीज थे ना, ये दो ही बेबीज बचे थे। हमारी गंजो मुर्गी देखें माशाल्लाह, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। गंजो मुर्गी का हमें बहुत शौक था, तो माशाल्लाह हमारी गंजो मुर्गी भी हमारे सेटअप पे बड़ी हो गई है। और ये एक वाइट है इधर दोस्तों, ये रही हमारी प्यारी डब। जब से शिफ्ट किया है ना आपको मैंने दिखाया ही नहीं था माशाल्लाह। देखें काफ़ी इनकी तादाद बढ़ गई है, और अभी इनको आज़ाद केज मिला तो बहुत अच्छी ब्रीड कर रही है माशाल्लाह। आपको ब्रीडिंग भी दिखाएंगे माशाल्लाह। देखें इनकी तादाद काफ़ी हो गई है, और इधर इस चन्नी में एग वगैरह भी दिए हुए हैं डाब्स ने। और वो देखें सामने कॉर्नर में हमारे दो बटेर जो हमने पकड़े थे माशाल्लाह, वो भी घूम रहे हैं। और ये छोटी कॉलोनी है माशाल्लाह से, इस छोटी कॉलोनी में भी दोस्तों एक दो ये येलो भी बेबीज है माशाल्लाह। और तीसरा वो कॉर्नर में माशाल्लाह तीन बेबीज बाहर इस कॉलोनी में भी आ गए हैं। और इस कॉलोनी के बर्ड्स देखें बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये असील पट्टियाँ हमारी, ये पट्टी देखें माशाल्लाह दोस्तों, असील हमारी काफ़ी खूबसूरत और यूनिक कलर है माशाल्लाह। बहुत अच्छी मुर्गी तैयार हो रही है, और ये वाली तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। ओहो यार वो हमारा कबूतर एक उड़ गया। ओहो इधर क्या हो गया है, वो माशाल्लाह दोस्तों हमारी मुर्गी ने इधर एग्ज उतार दिया है। हमारी काफ़ी मुर्गियाँ हैं, लेकिन सर्दी की वजह से एग्ज नहीं दे रही थी, सिर्फ ये एक मुर्गी डेली एग उतारती है माशाल्लाह। ये देखे सामने अभी एग उतार के गई है। रैबिट को देखें, ये भी पूरे मिनी जू में गुले मिले हुए हैं और घूम फिर रहे हैं। एग को निकाल देते हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ माशाल्लाह। ये आ गया एग फ्रेश और ताज़ा माशाल्लाह, और काफ़ी बड़े साइज में है यार एग। ओहो ये राजा रानी ने तो काम ख़राब कर दिया दोस्तों। ये देखें, क्योंकि हम अपने पिजन को उड़ाते ही नहीं है यार, कहीं निकल ही ना जाए। और लगता है कि ये जो रानी है ना, इसने एग वगैरह देने तो ये जगह ढूंढ रही है, और राजा भी साथ में मदद कर रहा है यार। ये खुड्डा पड़ा हुआ है तो इनको इधर जाना चाहिए था ना। ये देखे रैबिट दोबारा आ गया अपने केज के पास, इसको भी पता चल गया कि हमारे केज पे हमला हो गया है। अभी राजा रानी को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना और पिजन भी उड़ सकते हैं यार। चलो राजा रानी, चलो भाई, चलो गंदे हो, चलो 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 चलो। और ये वाला हमारा टाइगर मुर्गा देखें माशाल्लाह, शौक करें माशाल्लाह टाइगर का। यार जो हमारा प्यारा सा मजनू है यार, ये ढीला ढाला सा हुआ पड़ा है दोस्तों। लगता है हमारा मजनू थोड़ा सा बीमार हो गया यार, इसकी ट्रीटमेंट अभी करनी पड़ेगी। देखिए इसकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, इंशाल्लाह दोस्तों मजनू की यार ट्रीटमेंट कर देंगे। ये देखो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और माशाल्लाह हमारी लाल गाय देखें माशाल्लाह, ये गबन है और अभी बच्चा भी देने वाली है दोस्तों। हमारी ब्राउन वाली डक को देखें, एक टांग पर खड़ी हुई है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। एक ही टांग पर, एक टांग इसने ऊपर ही की हुई है, अपने परों में छुपाई हुई है, सिर्फ एक ही टांग पे खड़ी हुई है अभी। और देखो अभी ये दूसरी टांग नीचे रखी है यार। अक्सर हमारी डक्स इस तरह से करके खड़ी रहती हैं, पता नहीं ये क्या वजह होगी दोस्तों। मुझे दोस्तों बहुत जल्द हमारे इधर केजेस भी बनने वाले हैं, हमारा मिनी जू बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो आपने प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाना, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और इधर देखें ये गिलहरी को देखें माशाल्लाह, ये गाँव में गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारे सेटअप पर अक्सर आके घूमती रहती हैं। इधर ये ऊपर चली गई इधर से, क्योंकि परिंदों का दाना वगैरह पड़ा होता है दोस्तों, ये गुलहरियाँ दाना खाती रहती हैं माशाल्लाह। और ये एक देखें, हमने ये कौवा लटकाया हुआ है मरा हुआ, इसकी भी वजह है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे ये पैरट है ना प्यारे प्यारे, इनको कौवे तंग करते थे, इसी वजह से मरा हुआ कौवा हमने इधर लटका दिया है। उससे थोड़ा सा वो डरते हैं कि शायद हमारा भी यही अंजाम हो, तो वो हमारे पेट्स के करीब नहीं आते। और देखें असील मुर्गियाँ इधर खेल कूद रही हैं माशाल्लाह। हमारा शेरू देखें मस्तियाँ कर रहे हैं, मट्टी में नहा रहे हैं माशाल्लाह। खेलो भाई, खेलो खेलो। आपको भी दोस्तों तुराब भाई का नंबर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगा। लेकिन वो दोस्त रब्ता करें जो उनको तंग ना करें, उन्होंने कहा था कि जो हमें तंग नहीं करेंगे तो उनसे बात करेंगे, जो दोस्त फजूल में तंग वगैरह करते हैं तो उनसे वो बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझे सख्ती से रोका है कि उनको आपने नंबर नहीं देना।